हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई वेलकम यू इन दिस फोर्थ लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पर हमने एक अननोन को निकालना सीखा था अगर उसके जीरोज की फॉर्म में एक रिलेशन हमको गिवन होता था कन्वर्जन फार्मूलाज की हेल्प से। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जैसा कि आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है। ये हमारी हेडिंग है, यानी कि आज के क्वेश्चन जिस बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसकी हेडिंग है। क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज आर गिवन। अब ये इतना सिंपल नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट का जो जीरोज है उसका सम गिवन होगा और प्रोडक्ट गिवन होगा, तो हम तो ये फॉर्मूला लगा के कर लेंगे जो सर ने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यानी कि ये हो गया सम ऑफ द जीरोज और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं कि पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज सम ऑफ जीरोज एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें क्या मुश्किल है सर, इसको नया टॉपिक क्यों बोल रहे हैं? तो बेटा नया टॉपिक ये है कि जैसा आप सोच रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है। एक पॉलिनोमियल गिविन होगा, उसके जीरोज दे रखे होंगे और उसके जीरोज से हमसे दूसरा पॉलिनोमियल निकलवाया होगा। कैसा होगा, इसलिए हमने एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिखा है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा बच्चों इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, बट हमको कोई दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर 2α+3β एंड 3α+2β। मतलब अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और आपसे कहा है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाकर दिखाओ जिसके जीरोज ये आए, यानी कि इसके जीरोज की फॉर्म से दूसरा पॉलिनोमियल बनवाया है। दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोज ये होना चाहिए, यानी कि ये पूरा उसका एक जीरोज होगा, जो पॉलिनोमियल आएगा उसका ये पूरा एक अल्फा है और उसका ये पूरा बीटा है, यानी कि एक सिंगल जीरोज ये होना चाहिए और एक सिंगल जीरोज ये होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि करा कैसे जाएगा। सबसे पहले अल्फा और बीटा किसके जीरोज हैं? इसके जीरोज हैं, तो हम इसकी वैल्यूज इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो करना क्या होगा बेटा आपको, भाई अल्फा बीटा इसके जीरोज है ना, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बना के रखेंगे अपने पास। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू ले लीजिए माइनस फाइव अपॉन ए, ए की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो ये 5/2 हो जाएगा बच्चों। और अल्फा इंटू बीटा आपको निकाल के रखना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 7/2। तो ये दो जो आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल के रख लेना है जो पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको पहले कैलकुलेट करना है। अब इसकी हेल्प से हम ये सब निकालेंगे। देखिए तो जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसका सम और इसका प्रोडक्ट पहले बना के रख लेते हैं, हालांकि हम एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, सम की जगह इन दोनों का सम लिख देंगे और प्रोडक्ट की जगह इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे, बट वो बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो शॉर्ट में करने के लिए हम सिर्फ सम बना रहे हैं, एस फॉर सम ऑफ द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो उसके पॉलिनोमियल उसके जीरोज जो आपका रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है उसके जीरोज तो आपको गिवन है, एक जीरोज होना चाहिए 2α+3β, समझ रहे हैं, और दूसरा होना चाहिए 3α+2β। तो एक ये हो गया उसका पूरा अल्फा और एक ये होगा उसका पूरा बीटा। अब जो हमने ये निकाला था इसकी हेल्प से ये आ जाएंगे आराम से। देखिए देखो भाई, 2α और 3α कितना हो गया 5α, और 3β 2β 5β, तो 5 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा, तो इसके जीरोस का सम ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की हमने उस वाले पॉलिनोमियल से वैल्यू निकाली हुई थी, तो बस कहने का मतलब यही था। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसके जीरोस की हेल्प से इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर आपका रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखो अब कैसे, तो 5 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 5/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 25/2, करेक्ट है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है ये, तो प्रोडक्ट में हमें क्या लेना है, 2α+3β और इधर 3α+2β, तो यहां पे देख लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2α की 3α से कराओगे तो 6α² हो जाएगा, उसके बाद 2α की 2β से कराओगे तो 4α β हो जाएगा, उसके बाद 3β की 3α से कराओगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9α β हो जाएगा, और 3β की 2β से कराओगे तो 3 2
6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब चिंता करने की कोई बात नहीं क्योंकि आपको हम कन्वर्जन फॉर्मूलाज पढ़ा चुके हैं बच्चों। 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर, 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। इसलिए हमने कहा था अलग अलग निकाल लो सम और प्रोडक्ट, एक साथ लिखते तो बड़ा लेंथी हो जाता और कन्फ्यूजन भी आ जाता। अब ये 4 अल्फा बीटा, ये है 9 अल्फा बीटा, तो कितना हो गया 13 अल्फा बीटा हो गया। देखो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी थी जो गिवन था पॉलिनोमियल उसकी हेल्प से। अब सर ये कैसे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताइए क्या हमने आपको नहीं पढ़ाया कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करेंगे सम में और प्रोडक्ट में। तो अब ये हेडिंग हटा देते हैं बच्चा लोग और आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या निकालने, प्रोडक्ट निकालने, पी से डिनोट कर दिया है। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको याद ही होगा क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और प्लस में क्या चल रहा है 13 अल्फा बीटा। या तो आप सीधे वैल्यू रखवा दो यहां पर या भी चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो। तो ये 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 6 टू जा 12 अल्फा बीटा हो जाएगा, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा था। तो 6 टू जा माइनस का 12 अल्फा बीटा प्लस का 13 अल्फा बीटा, तो ये सिर्फ प्लस का अल्फा बीटा रह जाएगा। अब वैल्यू रखवा दो तो 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/2, तो 5/2 का क्या करा दो स्क्वायर करा दो, प्लस का अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी ये देखो भाई 7/2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बड़ा इजीली हो जाएगा। तो 6 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4, साथ में 7/2, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। तो 25 3 जा कितना हो गया 75/2, और उधर है हमारा 7/2, 2 ले लीजिए कॉमन, मतलब एलसीएम ले लीजिए 2, 75 और 7 कितना हो गया, तो 75 और 7 हो गया हमारा 82, डिवाइड कर दीजिए 2 4 2 1 41 आ गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि जो पॉलिनोमियल हमें निकालना था उसके जीरोस ये थे, तो इनका सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, सेंस जो पॉलिनोमियल हमें निकालना था उसका था एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द जीरोस प्लस का प्रोडक्ट। एस फॉर सम पी फॉर प्रोडक्ट लिख रहा हूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस भाई सम जीरोस का हम सम निकाल चुके हैं इसीलिए तो इतना लंबा चौड़ा काम किया है। तो सम कितना आया था ये रहा 25/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आया था बच्चों 41। क्या कहा था आपसे एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एलसीएम हमने क्या लिया 2 2x स्क्वायर माइनस का 25x और 41 की 2 से कराएंगे तो वापस से 82 हो जाएगा। या तो आप इतना छोड़ दीजिए, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब हम इसके जीरोस निकालने चलेंगे तो इक्वल में जीरो पुट कराएंगे। वैसे तो देखिए आपको मैंने बताया था वो आरडी शर्मा वगैरह या दूसरी वाली बुक में वो k लिखते हैं, k क्यों लिखते हैं, ये 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 82, ये k इसलिए है क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नंबर रहा होगा, वो हमने जीरो के इक्वल में भेज दिया होगा डिवाइड में, तो वहां पे आप k लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसको जीरो के इक्वल में भेज दें तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, या इतना ही छोड़ दें, या अगर ये जीरो के डिवाइड में जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 82, ये सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके इक्वल में भी जीरो लिख सकते हैं, समझ आ गई बात। तो ये हो गया वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 बीटा प्लस 3 अल्फा होंगे। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन होंगे। एक दो क्वेश्चन का एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपकी इस टाइप के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आसानी से बन जाएगी। क्या है क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके जीरोस का आप सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके जीरोस के रिलेशन से ही आपसे दूसरा जीरो पूछा होगा, तो उसका सम बनाइए, उसका प्रोडक्ट बनाइए, वैल्यू ऐसी बनाइए कन्वर्जन फॉर्मूला लगा के जो आप पुराने वाले पॉलिनोमियल का सम और जीरोस उसमें पुट करा सकें, देन पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा के नया वाला पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यानी कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओनली एंड वी हैव टू फाइंड अनदर पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर। इसमें मैंने दो क्वेश्चन बना लिए जिससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो, यानी कि उसका एक जीरो पूरा अल्फा प्लस 2 और दूसरा जीरो बीटा प्लस 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमें रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बनाना है उसका अल्फा अल्फा प्लस 2 होगा और उसका बीटा जो है वो बीटा प्लस 2 होगा इसके कंपेयर में। दूसरा हमें ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2 अल्फा अपॉन बीटा होंगे और 2 बीटा अपॉन अल्फा होंगे, यानी कि उसका पूरा अल्फा 2 अल्फा अपॉन बीटा होगा और 2 बीटा अपॉन अल्फा उसका बीटा होगा, ठीक है।
अल्फा बीटा इसके जीरोज है, यानी कि उससे हम उसकी उसके रिलेशन से इसकी वैल्यू निकाल के रख लेंगे पहले ही। तो पहला वाला करते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा बीटा इसके जीरोज थे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ए पौने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू हो जाएगा ये, ठीक है। और अल्फा बीटा होता है सी ए पौने, दैट इज थ्री ए पॉइंट वन, यानी कि थ्री। अब हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज ये दे रखे हैं। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप क्या करें, सम निकाल लें, सम ऑफ, या मैं डायरेक्टली एस लिख देता, या मैं लिख देता सम ऑफ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, रिजल्टिंग जो मुझे चाहिए पॉलिनोमियल, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इलेबोरेट हो जाएगा। तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो अल्फा प्लस टू है और दूसरा है बीटा प्लस टू। तो रिजल्टिंग में यही तो लिखूंगा मैं, अल्फा प्लस टू प्लस बीटा प्लस टू, सम हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं, अल्फा प्लस बीटा और दो चार हो गया, यानी कि इसको इस तरीके से सेपरेट करो जिससे हमारी ये वैल्यूज हो जाएं यूज़, बस आप यही यूज़ करा सकते हो, बाकी इनके कन्वर्जन फार्मूला जो आपको सिखाए गए। तो एक एक चीज़ आपके काम की है जो पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाई गई है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, पहले ही निकाल ली थी इस वजह से टू आ गई, और प्लस का फोर कितना हो गया सिक्स, यानी कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा उसके जीरोस का सम, यानी कि इसकी वैल्यू सिक्स आ गई हमारी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए, या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, क्या होगा, इसके जीरोज है अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए, अल्फा की बीटा से कराएंगे अल्फा बीटा, अल्फा की टू से कराएंगे टू अल्फा, फिर बीटा की टू से कराएंगे टू बीटा, और टू टू जब फोर हो जाएगा। देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है थ्री, अगर हम यहाँ टू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, इसीलिए तो बस बना रहे थे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी टू है तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ टू इंटू टू, प्लस का फोर, तो टू टू जब फोर और फोर एट, और एट और थ्री इलेवन हो गया। तो जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी, वेयर एस एंड पी आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम की वैल्यू क्या आई है सिक्स, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई इलेवन, तो ये हमारा आंसर आ गया, बात खत्म हो गई, यानी कि ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस ये होंगे, समझ आ रही है बात। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एलेबोरेट करना चाहूँगा, सपोज कर लीजिए अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसके जो जीरोज आएंगे, मान लीजिए कुछ भी आएंगे, वैसे अगर रियल जीरोज इसके निकाल लें तो थ्री वन जा थ्री, यानी कि माइनस का थ्री और प्लस का वन, तो थ्री और माइनस वन आएंगे इसके जीरोस, थ्री और माइनस वन, तो इसके जीरोस क्या है, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू, यानी कि दोनों में प्लस टू कर दें तो एक जीरोस हो जाएगा फाइव और एक जीरो हो जाएगा वन, ये मतलब है। जैसे अगर इसके जीरोस थ्री और माइनस वन होंगे तो इसके जीरोस उससे प्लस टू दोनों दो दो ज़्यादा होंगे, अगर रियल बात करें, एक्चुअल बात, यानी कि अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका एक जीरो आएगा पाँच और एक जीरो आएगा छः, सॉरी पाँच और एक आएगा वन, समझ पा रहे हैं बात को, तो ये तरीका है, और आप इसके फैक्टर कर लीजिए यही आएगा, तो ये मेरा मतलब था इस चीज़ से, ठीक है। बट अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ कहना चाहिए हम एनालिटिकल या फिर थ्योरेटिकल अप्रोच से निकाल रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ रहे हैं, बट अगर क्वेश्चन का मतलब अगर हमें समझा जाए, सपोज कर लो इसका एक जीरो पाँच है और इसका एक जीरो दस है, सपोज कर लो, वैसे मैंने रियल वाला बता दिया, तो इसके जीरो जिससे दोनों दो दो ज़्यादा होंगे, यानी कि एक होगा सेवन और एक होगा ट्वेल्व। अब जो हमें दूसरा पॉलिनोमियल चाहिए वो है टू अल्फा अपॉन बीटा, यानी कि टू इंटू फाइव अपॉन टेन, और एक हो जाएगा टू इंटू टेन अपॉन फाइव। तो ये मतलब है इस टाइप के रियल क्वेश्चन का, कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसके जीरोस का और नए वाले जीरोस का ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। तो इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं अब हम लोग, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इसका जो रियल मीनिंग है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट भी इसका देख लेते हैं हम लोग, अब डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इरेज हो गई, लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या था, टू था, और अल्फा इंटू बीटा जो था वो थ्री था। तो अभी हम बना लेते हैं सम, सम ऑफ रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए पॉलिनोमियल। भाई सम का मतलब क्या हुआ, टू अल्फा अपॉन बीटा, टू बीटा अपॉन अल्फा। जब आप एलसीएम लेने चलेंगे तो नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा और ये हो जाएगा टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू है नहीं, मगर वो कन्वर्जन फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, टू कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। तो टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला आपका पड़ा हुआ है, और अपॉन में क्या है अल्फा बीटा। अब वैल्यू रखवा दीजिए बस सारी,
कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखवानी है। टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, टू, और टू का स्क्वायर करोगे फोर, माइनस टू अल्फा बीटा, टू और अल्फा बीटा की वैल्यू है थ्री, तो टू थ्री सिक्स हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू है थ्री। तो फोर में से सिक्स गए कितने बचे, माइनस का टू, माइनस टू की टू से कराई, माइनस का फोर अपॉन थ्री, ये आपका सम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सिर्फ पी से लिख दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, कोई इशू ना आए। तो टू अल्फा अपॉन बीटा और इंटू टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, टू टू ज़ा फोर, प्रोडक्ट आ गया फोर। अब हमें जो क्या चाहिए था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो इस स्पेस में कर लेते हैं अभी हम। तो पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एस एक्स, एस की वैल्यू आ चुकी है ना माइनस का फोर बाई थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, फॉर्मूले भी माइनस और ये भी माइनस, तो फोर बाई थ्री एक्स प्लस का पी, पी इज फोर, क्या कहा था, एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स, फोर थ्री जर ट्वेल्व, क्या आएगा, वन बाई थ्री आएगा। इस वन बाई थ्री को आप चाहें दिखाना तो दिखा दीजिए, अदरवाइज वो जीरो के इक्वल में जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इस थ्री को आप हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक जीरोज, जो एक पॉलिनोमियल होगा वो गिवन होगा, उसके जीरोज की फॉर्म में दूसरे के जीरोज बनाकर दिए होंगे, आपको बस सम और प्रोडक्ट निकालना है और उसकी वैल्यू कर देनी है। अगर कहीं इस टाइप का बनेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस तरीके से, तो आप वहां पर कन्वर्जन फार्मूला का यूज करिए, वो क्वेश्चन भी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, बट यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, तो इसको आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना समझ में आने वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर होता है फिनिश, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।